हाय, लेट्स मेक छोले। आज की रेसिपी थोड़ी जल्दी जल्दी मैं बताऊंगी क्योंकि ये रेसिपी मेरी नहीं है, मम्मा की है, तो मुझे उनके साथ कैचअप करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ले लेना है 6 से 7 ओवरनाइट बॉईल करे हुए छोले। 1.5 कप छोले हमने ले लिया है। डाल लेंगे इसे कुकर में सीटी लगाने के लिए। 6 से 7 सीटियाँ लगाएंगी मम्मा। नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। डाल दिया है मम्मी ने आंवला कलर के लिए, 2 तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, और इसे हम कवर कर देंगे और 6 से 7 सीटी लगने तक इसे कुक करेंगे। जब तक हमारी सीटी लग रही है हम यहाँ पे प्रेप कर लेंगे थोड़े मसालों की। सबसे पहले ले लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा डाल देंगे यहाँ पे 1 चम्मच साबुत जीरा, 2 मीडियम साइज के प्याज को छोटे छोटे चॉप करके अच्छे से हम भून लेंगे। मम्मी ने आज के छोले में ना स्पेशली मम्मा ने आलू को फ्राई करा था। मैंने आलू फ्राई करने की क्लिप को रिकॉर्ड नहीं करा, तो आलू अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। डाल देंगे यहाँ पे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, डाल के अच्छे से भून लेंगे अदरक लहसुन को, और डाल देंगे यहाँ पे कुछ मसाले। डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर 2 चम्मच ले लिए, यहाँ पे तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाल लेंगे यहाँ पे 1 चम्मच, 1 चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। हमने छोले को बॉईल करते समय भी नमक डाला था, तो आप उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। डाल देंगे थोड़ा सा पानी जिससे कि हमारा जो मसाला है वो जले ना, और सभी को डाल के हम अच्छे से भून लेंगे। डाल देंगे यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट बनाकर। जार में थोड़ा सा पानी लेके हम और मिक्स करके ले लेंगे और अच्छे से भून लेंगे मसालों को। आप जो रेसिपी देख रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से बना के तैयार करना है। बस मेरी एंडिंग की जो क्लिप है जो हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो गया था, मैंने वो रिकॉर्ड नहीं करा था और सबने खाना खा लिया था, तो वो क्लिप बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। बट अगर आप इस तरीके से बिल्कुल रेसिपी बना के तैयार करेंगे ना, आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा छोला बन के तैयार होगा। मम्मी ने यहाँ पे मसाले भून लेने के बाद डाल दिए थे आलू को, और साथ ही डाल दिया था 2 चम्मच भर के गर्म मसाला। ढक के इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया था। जब मसालों के साइड से तेल निकल जाए इसमें डाल देंगे बॉईल किए हुए हमारे छोले। अब छोले देख सकते थे किस तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, और इसमें पानी डाल के इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए कुक करेंगे। गाढ़ा आप यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से बना के आप तैयार करेंगे ना, आपका बिल्कुल टेस्टी छोले बन के तैयार होंगे। इस रास्ते की रेसिपी का जो क्लिप है बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ था। आप यहाँ पे कम या ज़्यादा गाढ़ा कर सकते हैं छोले को। तो आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते एक नई रेसिपी के साथ।